झूठा मुद्दा उठा उठा के आदमी को फंसा के महंगाई बढ़ा रहा है, इंसान को एक दूसरे में उलझा दे रहा है, इस तरह से वो वोट निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। मोटा भाई जो हम लोग का अमित शाह, वो सबसे बड़ा गुंडा है इंडिया का सबसे बड़ा गुंडा है। बंगाल यूपी बनाने मांग रहा है, इसलिए कि बंगाल में बहुत ज्यादा एंटी सोशल हो गया ना, इसलिए यहाँ पे भी एंटी सोशल को बढ़ाने के लिए वो ये लफ्ज बोल के गया। योगी तो आया है वो बंगाल में लड़ाई करवाने के लिए, अपना जो सरकार को अपना वो संभाल नहीं सक रहा है, यहाँ बंगाल लोग क्या संभाल रहे हैं। प्रधानमंत्री खाली जुमलाबाजी है, 15 लाख देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं। बच्चों को वोट का वोट बैंक बनाने मांग रहे हो, अपना ऐसा बोल के हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं, या हिंदू और मुस्लिम इतना कुछ नहीं है। और एक बात आप बोले क्या, वो 2 तारीख को उनका रिजल्ट आएगा तो मेरा बना के भी मांगे, दूसरा दिन आएगा तो आपको सुसाइड कर लो, जान तो भी नहीं मांगे। जी सर, मैं सबसे पहले आपका नाम जानना चाहूँगा। अमित दे। अमित जी, योगी आदित्यनाथ ट्वीट करते हैं और ट्वीट में एक तो ट्वीट उन्होंने ये करा कि 2 तारीख को उनकी सरकार बन रही है, उसके बाद जो गुंडागर्दी यहाँ चल रही है, लोग उनसे उनकी अपनी जान की भीख मांगेंगे, गले में तख्ती डालेंगे। एक ट्वीट वो ये करते हैं जिसमें ये कह रहे हैं कि लगातार जय श्री राम के नारे बोलने पर यहाँ पाबंदी है, यहाँ तालिबानी सरकार चला रही है ममता दीदी, और यहाँ हिंदुओं पर अत्याचार किया जा रहा है। तो ये तमाम मुद्दे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहला बात तो ये है कि हम लोग कभी भी ये नहीं सोचते कि ये हिंदू या मुस्लिम, ये सब बात को लेके वो लोग जो मुद्दा फैला के सोचता है कि इलेक्शन में वोट मिल जाएगा उन लोग को, ये आदमी समझ गया है कि जे ये झूठा मुद्दा उठा उठा के आदमी को फंसा के महंगाई बढ़ा रहा है, इंसान को एक दूसरे में उलझा दे रहा है, इस तरह से वो वोट निकालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ऐसा कुछ होने वाला है नहीं। और सबसे पहला बात तो गुंडा बहानी जो है उन लोगों के पास बैठा हुआ गद्दी लेके, अच्छा मोटा भाई जो हम लोग का अमित शाह, वो सबसे बड़ा गुंडा है इंडिया का सबसे बड़ा गुंडा है। आज जो हम लोग का यहाँ पे बंगाल में देखिए, जितना उससे जुड़ा हुआ इंसान है सब गुंडा ही है। वो जय श्री राम का नारा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, ये सब मुद्दा लेके बस भारत को और पश्चिम बंगाल को उलझा रहा है। सरकार किसकी बन रही है? सरकार तो दीदी की बन रही है। आँख बंद करके आदमी घर में सो के भी रहेगा तो वोट हम लोग का ठीक पहुँच जाएगा। और क्या है उसकी वजह? ये है कि वो काम किया है, पश्चिम बंगाल का चेहरा देखिए आप लोग को समझ में आ जाएगा, शायद ही कोई हिंदुस्तान में ऐसा चेहरा होगा जितना वो 10 साल में करके दिखाया है। आज मोदी जी के काम कैसे रहे? मोदी जी का काम तो कुछ समझ ही में नहीं आता, हम लोग देखे कहाँ मोदी जी का कोई नेता यहाँ पे आके कोई काम करने के लिए आया है क्या यहाँ पे? वो तो कह रहा सुनार बंगला बनाएंगे। किसी का घर में अगर राशन नहीं था तो क्या मोदी जी का आया है कोई नेता यहाँ पे? यहाँ का TMC का वर्कर लोग, TMC का लीडर लोग आगे चल के काम किया है, आगे चल के घर घर पहुंचाया है राशन, घर घर पहुंचाया है सातों साथी कार्ड। तो इन लोगों को पूछेगा ना मोदी जी को पूछेगा, मोदी जी यहाँ है, वो कह रहे हम सुनार बंगला बनाएंगे। वो अपना घर में बंगला बना रहा है, सुनार बंगला का तो दूरी का बात, वो बंगला अपना घर में बना रहा है। योगी जी कह रहे हैं यूपी मॉडल लेकर आएंगे हम यहाँ पर, आप चाहते हो बंगाल में यूपी मॉडल आए? ऐसा कुछ नहीं होगा, जो मॉडल में हम लोग जी रहे हैं ये मॉडल में खुश है, आप लोग आइएगा तो दंगा फैला दीजिएगा। अच्छा, वो कह रहा दंगा तो दीदी फैला रही है दीदी, ये तो बात कहने वाला बात है, हम लोग तो दीदी के साथ जुड़े हुए हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। हम लोग यहाँ पे कोई दंगा नहीं होगा, यहाँ पे हिंदू मुस्लिम सब भाई भाई मिल के काम करते हैं। ये मेरा भाई है, सब हिंदू मुस्लिम भाई भाई मिल के काम करते हैं। हम हिंदू है, वो मुस्लिम है, मेरा भाई है। दादा बताइए क्या क्या किसकी सरकार बन रही है? ये ममता बनर्जी का सरकार बन रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जलालुद्दीन है। ठीक है जलालुद्दीन जी, ये बताइए योगी आदित्यनाथ कह रहा है हम बंगाल को यूपी बना देंगे, यूपी मॉडल, बंगाल यूपी बनाने मांग रहा है, इसलिए कि बंगाल में बहुत ज्यादा एंटी सोशल हो गया ना, इसलिए यहाँ पे भी एंटी सोशल को बढ़ाने के लिए वो ये लफ्ज बोल के गया। वो एक बार तो बोल दे कि मुसलमानों का वोट चाहिए अपनी जुबान से, ये तो कॉमनवेल्थ बेस में चल रहा है, भारत कभी कॉमनवेल्थ बेस में चला है? कांग्रेस सरकार भी चलाया है यहाँ पर बंगाल में, दीदी जो आज 10 साल से चला रही है, कभी भी कोई भी कॉमनल बात किया दीदी? कभी भी दीदी कॉमनल बात नहीं किया, दीदी बोला कि सवार विकास सवार एक संगे थकबे सवार एक थकबे। तो दीदी का जो मेहनत है, दीदी जो विकास किया है वो नजर में है, हिंदू मुस्लिम सबका पास में है। दीदी किसी विकास किया दीदी ने? दीदी बहुत विकास किया जनता के लिए दीदी। अब देखिए आप, एक तो बात है कि हम लोग बचपना से सुनते थे कि 2 रुपया किलो में चावल खाएंगे, पर यहाँ तो दीदी फ्री में खिलाए, आज तक यूपी में यहाँ वहाँ सब बंद हो गया, मगर यहाँ पर ही दीदी 2 रुपया किलो के आ गया, फ्री में खिला दिया। और दीदी का हर एक जगह में काम है, यंग बच्चा लोग का इसमें देखिएगा, आप कन्याश्री बोलिए या आपको बच्चा लोग का बुगलिस बोलिए, बच्चा लोग का पैसा से ले बोलिए, बच्चा लोग का साइकिल से बोलिए, हर एक चीज़ दीदी ने दिया, दीदी कहीं भी छोड़ा नहीं है। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आप जी। मोदी का मेरी बात बता दीजिए। चलिए बताइए मोदी के नहीं सबसे बात करेंगे ना, बहुत लोग PM है,
मेरा पीएम है, हम पीएम को मानते हैं, मगर वो जब राजनीति में आएगा तो राजनीति वाली बात होगी उसकी। पीएम को क्या करना चाहिए? आज जो लॉकडाउन का टाइम में एक गरीब माँ अपने बच्चे को उससे सुकेश के ऊपर में बैठा के टांगते हुए 200 किलोमीटर दूर में आया, लेके क्यों आया भाई? उसको ख्याल नहीं था कि वो क्या क्या करना है नहीं करना है। आज वो बोलता है सोनू निगम, जो उसको क्या जरूरत था, वो तो एक जनता से बक किया, बट पीएम को तो करना चाहिए था। एक बात सुनिए, बंगाल में तो बंगाल को तो वहीं से जोड़ के आना है, यहाँ आके बोल रहा है बंगाल का विकास करेंगे, बंगाल का विकास विकास तो खुद अपना कर ले पहले, उसके बाद बंगाल का विकास। दादा आप बताइए किसकी सरकार बन रही है? दीदी की ही बनेगी वो लोग। नाम क्या है आपका? शशि कुमार सिंह। शशि कुमार जी, दीदी की सरकार बन रही है, लेकिन क्यों चाहते हैं आपसे दीदी की सरकार? उन्होंने हर काम किए हैं इसलिए बनेगी। अच्छा ये बताइए, योगी आदित्यनाथ एक बात कह रहे हैं कि यहाँ हिंदुओं पे दीदी बहुत अत्याचार कर रही है, हिंदुओं का आजादी नहीं, यहाँ पे हर कोई मिल के है, हर कोई एक साथ है, खुश है, मतलब दीदी जो है हर किसी को लेके चल रही है। अच्छा ये नहीं कि ये हिंदू है तो इसको नहीं देखे, मुस्लिम है तो नहीं देखे, ये बंगाली है तो नहीं देखे, हर किसी को लेके चल रही है। ये कहा जाता है दुर्गा पूजा जो सबसे बड़ा त्यौहार है बंगाल का, वो भी नहीं मनाने दिया जा रहा। नहीं, बहुत अच्छा होता है। तो क्या लग रहा है, क्या तकलीफ नहीं है? कोई तकलीफ क्यों आपको, क्यों लग रहा है कि मतलब हम लोग हिंदू मुस्लिम सब कोई मिले हुए है, भाई भाई है, कोई तकलीफ नहीं है, कोई मतलब ऑब्जेक्शन नहीं है। आपसे बात करते हैं दादा, बताइए आप किसकी सरकार आ रही है? मेरा तो दीदी का सरकार आएगी, ममता बनर्जी का सरकार आएगी, और क्या। पक्का 100/100। योगी जी तो कह रहे हैं 2 मई को उन्होंने दावा कर दिया हमारी सरकार आ रही है, और उसके बाद जो गुंडे हैं टीएम यहाँ के जो घूम रहे हैं, गुंडागर्दी हो रही है, वो जान की भीख मांगेंगे हमसे। योगी तो आया है वो बंगाल में लड़ाई करवाने के लिए। अच्छा वो अपना जो सरकार को अपना वो संभाल नहीं सक रहा, तो यहाँ बंगाल लोग क्या संभालेगा? अच्छा तो खुद एक बड़ा चोर है। अच्छा। तो क्या अब दूसरा को समझाएगा बंगाल को? हम लोग का यहाँ दीदी है, दीदी रहेंगे। पक्का 100/100 दीदी का। दीदी की सरकार क्यों चाहते हो? दीदी काम बहुत अच्छा किया। अच्छा बढ़िया काम करे सारे? बहुत काम अच्छा किया योगी। प्रधानमंत्री मोदी ने अच्छा काम नहीं किया? प्रधानमंत्री खाली जुमलाबाजी है, उसके बाद क्या जुमला दिया? जुमला वही है 15 लाख देंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं, एक पैसा भी नहीं मिला। अच्छा और बेरोजगारी बहुत खराब हो गया, सब आदमी लोग नौकरी से बैठ गया। चलिए और आप आइए, थोड़ा आगे आइए, क्या नाम है आपका? महेंद्र सिंह। महेंद्र जी ये बताइए किसकी सरकार आएगी? ममता बनर्जी सरकार आएगी। योगी जी तो कह रहे हैं 2 तारीख को हमारी सरकार आ रही है। वो तो झूठ बोला जा रहा है। झूठ बोला जा रहा है जी हाँ। वो तो कह रहे हैं आप लोगों पे बहुत अत्याचार कर रही हैं दीदी, आपको दुर्गा पूजा नहीं करने देती हैं, आपको जय श्री राम के नारे नहीं लगाने देती और डिक्टेटरशिप चला रही हैं। ये सभी कुछ होता है यहाँ पर, हम लोग हिंदू मुस्लिम सब लोग फेस्टिवल एक साथ करते हैं, हमारा पूजा में वो घूमने जाता है, उनका ईद में हम लोग गला मिलते हैं, अरे उनका वो खाने का चीज़ हमने नहीं खाने का, हम लोग मगर दोस्ती हम लोग भाई बहन सभी एक है। अच्छा कोई दिक्कत नहीं है? कोई दिक्कत वो तो कह रहे हैं हम ये भी बंद करवा देंगे बूचड़ खाने भी। ओ देखिए वो तब वो सर नहीं होता है। अच्छा नहीं होता है? अरे वो तो एक ट्वीट और करा, उन्होंने कहा है कि लव जिहाद बहुत फैल रहा है यहाँ पर, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। नहीं ये गलत है, सब गलत है जी हाँ। तो क्या गलत रहा, इलेक्शन आ रहा है इस वजह से बोल रहे हैं? इलेक्शन में वोट बैंक बनाने मांग रहे हो अपना, ये सब बोल के हिंदू वोट बैंक बना रहे हैं, मगर अब हिंदू और मुस्लिम इतना बेवकूफ़ नहीं है भैया। अच्छा। हम लोग नहीं पढ़ा, हम लोग अपना बाल बच्चों को थोड़ा बहुत पढ़ा रहे, अच्छा सीखने के लिए। आज आपने एक तो बात आई, पढ़ाइएगा बाल बच्चों को? वो तो पढ़ेगा जरूर, भीख भी मांग के पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? हमने नहीं पढ़ा तो क्या हमारा बच्चा क्या जाहिल रहेगा? ऐसा तो नहीं होगा। तो क्या लग रहा है केंद्र सरकार जो काम कर रही है आप लोगों के लिए, केंद्र सरकार ने कुछ काम किया? नहीं कोई काम नहीं किया, केंद्र सरकार क्या काम किया, कोई काम नहीं है तो केंद्र सरकार का कोई काम नहीं। अरे एक बात आप बोले क्या, 2 तारीख को उनका रिजल्ट आएगा तो बेड़ा बना के भीख मांगेंगे मौत का, ऐसा दिन आएगा तो अपने आप को सुसाइड कर लेंगे, जान का भीख नहीं मांगेंगे। अच्छा जी हाँ, बीजेपी से नहीं, ऐसा खैर वक्त किसी पे नहीं आना चाहिए, कोई भी सरकार हो, कोई भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। किस तरीके से बोले कि हमारे TMC करते हैं, हम जैसे भीख मांगेंगे, ऐसा नहीं होता आगे तो अपने आप को सुसाइड कर लेंगे। और योगी जी को और ये अर्जुन सिंह और ये जो दिलीप घोष, ये सब तुम लोग को कभी आने वाले नहीं है। दादा आप बताइए किसकी सरकार? यहाँ तो मैं बिहार का हूँ, मतलब यहाँ का हूँ, यहाँ रहते हैं, मतलब यहाँ कुछ घूमने के लिए आया हूँ मैं। आप बंगाल क्या करने आए? मतलब मेरा यहाँ भाई लोग रहते हैं, यहाँ घूमने के लिए आया हूँ मैं, भाई लोग घूमने हैं तो घूमने के लिए आया हूँ। मतलब दुर्गा पूजा में हम 3-4 साल से यहाँ घूमने के लिए आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, सब एक रहते हैं। अब BJP की हिम्मत नहीं है कि विकास के नाम पे कभी भी वोट मांग के, वो विकास के नाम पे वोट मांगे, हमेशा वो धर्म के नाम पे ही वोट मांगती है, विकास के मुद्दे पे कभी वोट नहीं मांग सकती है, कभी नहीं मांगेगी वो। अच्छा तो लग रहा है खाली विकास के नाम पे वोट नहीं मांग रही, वो जिंदगी भी नहीं मांग, मिनरल राइट्स पे मांग रही।
बस बस कम्युनिटी पे खाली मांगेंगे, दंगा हो, ये हो, हिंदू मुस्लिम हो, इसी पे खाली वोट मांगेंगे बीजेपी। बीजेपी विकास के मुद्दे पे कभी लाइफ में वोट नहीं मांग सकती है।